नमस्कार, आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ा फैसला, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की आज शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता। ऐसे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली बैठक के बाद आज ये फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये बड़ी बैठक हो रही थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी पूरी जानकारी खुद दी। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। छात्रों की सुरक्षा, जाहिर तौर पर कोविड के इस काल में बच्चों को बचाना प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। परीक्षा रद्द होने पर तमाम अन्य भी जो नेता है वो खुश हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जिन्होंने पहले भी मांग की थी कि परीक्षाएं 12वीं की रद्द होनी चाहिए, उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, बच्चों को तनाव देना भी ऐसे वक्त पर ठीक नहीं है, और इसीलिए 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, एक मैराथन बैठक लंबी चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जिसमें अन्य भी कई भारत सरकार के मंत्री मौजूद थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। और फिर ये जानकारी आई है कि 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं हैं फिलहाल वो रद्द कर दी गई है। इस बीच आपको यह भी बताएं कि आखिर कैसे बच्चों के रिजल्ट बनेंगे, क्या तरीका अपनाया जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, इन सब पर एक पूरा प्लान बनाने की तैयारी है। क्या कुछ इस पर होता है, आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। जी हां, बड़ी खबर आज की यही है। लेकिन इसी के साथ जो अन्य खबरें स्पेशल रिपोर्ट में है, अब उनका रुख करते हैं, क्योंकि आज हम दो बड़ी खबरों पर नजर टिकाए बैठे हैं। एक तो जो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई देश में चल रही है, जिसको लेकर विरोध कई जगहों पर हुआ है, कैसे वो लड़ाई आगे बढ़ी है, कैसे विरोध जबरदस्त डॉक्टर्स का हुआ है, वो सब आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ गुजरात में कोविड के बाद कैसे 1 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे को एक नई बीमारी हो रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज कैसे डॉक्टर्स का हल्ला बोल रहा, देखिए। मैं अपना बयान वापस ले चुका हूँ, खेद व्यक्त कर चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ क्षम्यताम। देश भर में रामदेव के खिलाफ कहाँ हुआ प्रदर्शन, रामदेव के अगेंस्ट जो एक उचित एक्शन जो एक संविधान के अकॉर्डिंग होता है वो लिया जाए। बाबा के बयान पर मचे बवाल का द एंड कब, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद से आगे बढ़ गया विवाद, देखिए विवाद हम नहीं बढ़ा रहे हैं, विवाद रामदेव जी बढ़ा रहे हैं। करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। क्या बाबा रामदेव की माफी नहीं है काफी, हम ये चाहते हैं कि अगर वो अगर सच में ही उनको अपॉलॉजी थी तो वो देश के डॉक्टरों से माफी मांगते। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है चक्रव्यूह में बाबा, रामदेव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी रण का सच। तो राष्ट्रव्यापी विरोध आज डॉक्टर्स का रहा बाबा रामदेव के खिलाफ। ये जंग शुरुआत हुई थी बाबा रामदेव के कमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर कई बातें कही थी, डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए देशव्यापी अलग अलग जगहों पर आज डॉक्टर्स ने इजहार किया है अपने गुस्से का। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब डॉक्टर्स ने विवाद खत्म करने के लिए क्या शर्त रखी है। आ
आज हम जो सारे ब्लैक बैज लगा के खड़े हैं और ये जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें खुशी नहीं हो रही है। आज हम देश की जनता के लिए यहाँ पे खड़ा है। राष्ट्रव्यापी विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। बेंगलुरु में प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे डॉक्टर अपना फर्ज भी निभा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में जाने से पहले पीपी किट पहनते वक्त हाथ में काली पट्टी बांधी और बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने काला दिवस मनाया। डॉक्टरों का कहना है कि बाबा की माफी काफी नहीं है। जो परिवार जिन्होंने अपने घर के डॉक्टर्स खो दिए, 1200-1300 डॉक्टर्स खो दिए, उनको आप एक बिल्कुल ही इमोशनलेस स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ 1200 डॉक्टर मर गए, खुद को नहीं बचा पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे। वेस्ट दिल्ली के सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी बाबा के खिलाफ फोर्डा के समर्थन में प्रदर्शन किया। हमारा विरोध है कि जिस तरह से एलोपैथी के अगेंस्ट बाबा रामदेव ने कमेंट किया है, और वो एक तरह से बहुत ही शर्मनाक है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर जो इस समय पर अपनी जान को सामने रखते हुए कोरोना मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, उनको एक तरह से डिमोटिवेट करने वाला है। दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ब्लैक डे के समर्थन में उतरे, तो मध्य प्रदेश के बैतूल में IMA ने BJP MLA के नेतृत्व में DM को ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को IMA के प्रतिनिधित्व मंडल के तौर पे बाबा रामदेव के खिलाफ ज्ञापन दिया था। जिस तरह से उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरों की बुराई की थी, और जो 1000 डॉक्टर जो इस महामारी में एक सैनिक की तरह लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका जिस तरह अपमान किया गया था, उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है। और बाबा रामदेव या किसी और पैथी से हमारा या आयुर्वेद से हमारा कोई विरोध नहीं है। हम भी सारी पैथियों का सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। विरोध के सुर कश्मीर में भी सुनाई दिए। पुलवामा में जूनियर डॉक्टर्स ने योग गुरु रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन का तूफान बाबा रामदेव के विवादित बयान से उठा, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। बाबा रामदेव बनाम IMA में जुबानी युद्ध छिड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के खिलाफ FIR से लेकर मानहानि के मुकदमे तक दर्ज किए जा चुके हैं। मामले को बढ़ता देख अपने बयान को बाबा रामदेव वापस ले चुके हैं, माफी तक मांग चुके हैं, लेकिन IMA और दूसरे संगठन कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, मैं इसको खेद पूर्वक क्षम्यताम कह करके सब अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो आज भी 10-10 12-12 18-18 घंटा सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को सलाम करते हुए इस बात को, इस विवाद को जो है तूल नहीं देना चाहता, इसका अंत समापन, इसका पटाक्षेप करना चाहता हूं। लेकिन अब IMA वाले जो हमारे भाई हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल निकाल करके देखो, इस विवाद से पहले उनको 500-700 लोग फॉलो करते होंगे, अब उनको 5000 लोग फॉलो करने लगे, उनको लगता है हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। स्वामी रामदेव तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहले ही पहुंच चुका था, योग आयुर्वेद को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के। बाबा ने माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन रामदेव के पुराने बयान पर उठा तूफान कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टरों से काला दिवस पर सवाल पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जो एक मुद्दा देश भर के डॉक्टरों को लेकर है, और देश भर के डॉक्टर नाराजगी भी अपनी जता रहे हैं, आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं स्वामी रामदेव को लेकर, उस पर किस तरीके से, क्या जो कोरोना को लेकर इलाज चल रहा है अस्पतालों में, उससे कुछ ये मामला डाइवर्ट हो सकता है, या डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं। मामला महामारी से लड़ रहे योद्धाओं का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तक रामदेव के बयान पर खेद जता चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस टकराव का आखिर समाधान क्या है। आज तक ब्यूरो। विवाद खत्म होने की एक उम्मीद बनी थी। बाबा रामदेव ने दरअसल अपनी बात पर खेद भी जताया था, और उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर्स का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है। कहां पर फंसी हुई है पेच? मनभेद और मतभेद की है पूरी पिक्चर। देखिए, मैं अपना बयान वापस ले चुका हूं, खेद व्यक्त कर चुका हूं, फिर से कह रहा हूं क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके
दूसरों की जिंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहां पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के ड्राइवरों से लेकर के जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूं। दरअसल बात जो है वो IMA के एक बहुत ही भद्दे रवैये से बात उभर करके आती है ऊपर, जब वो आयुर्वेद को सोडो साइंस कहते हैं। ये विवाद हम नहीं बढ़ा रहे हैं, विवाद रामदेव जी बढ़ा रहे हैं। अगर खेत प्रकट किया था तो उसके बाद 25 सवाल एक उतार के दे दिए साथ में, उसके बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद डॉक्टर्स 1200, ये सब उसके बाद की बात है, खेत जताने के बाद की बात, 1200 डॉक्टर्स जो हैं वो वैक्सीनेशन की डोज लगाने के बाद भी मर गए, तो देश के बाकी लोगों को क्या बचाएंगे। तो ये चीज़ आप खेत जताना तो जस्ट एक सिम्बॉलिक उन्होंने कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो अगर सच में ही उनको अपॉलॉजी थी तो वो देश के डॉक्टरों से माफी मांगते और इवन अपने स्टेटमेंट्स को बाकी जो रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ना देते। इसमें क्या है, पहली बात तो ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है, ये मैं तो कहता हूं यदि विवाद की बात करें तो IMA वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है, ये एक पूरी ड्रग माफिया है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली है और उस दिन का तो मैंने आपको पहले भी कहा, आज तक पर भी चला है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके मैंने सुनाया था और उसके बाद में भी मैंने कहा था कि एलोपैथी को मैं एज ए साइंस एडॉप्ट करता हूं और आज मैं 2-3 बातें उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अभी जो है अक्षय भाई ने भी एक अपना वीडियो अपलोड किया कि भाई जो हमारा योग है, हमारी आयुर्वेद है, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, आप अपने हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर खुद बनिए और अपन आत्मनिर्भर बनिए। आमिर खान ने तो इतना बड़ा एक पूरा बखेड़ा हो गया था उस समय कि भाई एक जो है बेसिन टेस्ट होता है, 2 रुपए की दवाई किस तरह से 2000 रुपए में बेची जाती है, जेनरिक दवाइयों को ब्रांडेड दवाइयां करके, अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक ऑपरेशन। नहीं, ये लड़ाई कभी भी एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं था। जब से पैंडेमिक आया है आयुर्वेद ने भी अपनी सीमाएं और क्षमताओं को देखते हुए इलाज जारी रखा है, एलोपैथी ने भी अपनी जितनी सीमाएं थी, जितनी क्षमताएं थी इलाज में पूरी कसर की है। परंतु ये चालू हुआ है उसके बाद जब बाबा के स्टेटमेंट आने लगे कि डॉक्टर्स मर रहे हैं, वैक्सीन का कोई उपयोग नहीं है, तो हमें लगने लगा कि जो हमारे साथ बैठने वाले वो जगह आज खाली पड़ी है, क्या वो व्यर्थ थी, क्या उनकी जान व्यर्थ थी, कुछ भी बोले जा रहे हैं, 7 बजे योगा पे बैठते हैं और उनको डॉक्टर्स याद आने लगते हैं। आयुर्वेद हमेशा से देश की एक रूट्स की तरह है, बहुत ही मजबूत है भारत का आयुर्वेद। आखिर ये जो आपने डॉक्टर्स की भी बात सुनी, बाबा रामदेव की सुनी और किस तरह से एक टकराव की स्थिति बनी हुई वो भी आप समझे, सवाल तो ये है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से, आखिर क्यों महामारी के बीच आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ये जंग छिड़ गई है, आइए आपको दिखाते हैं और आगे का रास्ता क्या है ये भी आप समझ पाइएगा। बाबा रामदेव को लेकर मचे घमासान के पीछे 2 बयान हैं, एक बयान डॉक्टरों को लेकर और दूसरा गिरफ्तारी की मांग को लेकर। गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को।
अपने बयान पर विवाद बढ़ा तो बाबा रामदेव ने सफाई दी, कहा कि व्हाट्सएप पर आया एक संदेश पढ़ा था, किसी को ठेस पहुंचाने की नियत नहीं थी, लेकिन बाबा के इसी बयान ने आईएमए को नाराज कर दिया। नौबत एफआईआर से लेकर मानहानि तक पहुंच गई। अभी मामला ठंडा पड़ता, उससे पहले ही बाबा के एक बयान ने आग में घी का काम किया। मैं किसी का अनादर नहीं करता, मैं उसमें भी अगला वाक्य आप देखो, उसके अगला ही वाक्य देखो, मैंने कहा मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ, भगवान के विधान को मानता हूँ, और मैंने चींटी से लेकर के हाथी तक मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत जब किसी का अहित नहीं किया, और बड़े हल्के मूड में मैंने कहा था, तो मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा भाई, मैंने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है? और यदि करोड़ों लोगों की भलाई करना, परिवार के भाव से उनका उपचार और उपकार करना, और जो भी पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हो उसको परमार्थ में लगाना, क्या गुनाह है? और अभी भी मैं कोई अपने कार्य से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। रामदेव अपने बयान को लेकर तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसी तर्क को बाबा के रसूख से जोड़कर देखा गया। सवाल यह है कि बाबा विवाद को खत्म करना चाहते हैं तो आखिर इसे बढ़ा कौन रहा है? जी तौर पर तो देखो ईर्ष्या तो बहुत लोगों को होती है कि ये अनपढ़ माँ बाप का लड़का, ये खेती बाड़ी करने वाला एक साधारण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ, भगवा पहनता है, वेद दर्शन उपनिषदों की ऋचाएं गाता है, तो बहुत से लोगों को इससे आपत्ति है। अब जो मैं नहीं भी बोल रहा हूँ वो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने वैक्सीनेशन का विरोध कर दिया। मैं तो कहता हूँ डबल वैक्सीनेशन करो, और डबल वैक्सीनेशन करके योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो। भले ही बाबा रामदेव अपनी तरफ से विवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन रामदेव की तरफ से आईएमए को भेजे गए 25 सवालों की लिस्ट ने बवाल और भी बढ़ा दिया है। दरअसल माफी मांग चुके बाबा आईएमए से सवालों के जवाब चाहते हैं, और आईएमए बाबा पर कानूनी एक्शन, यानी अभी विवाद पर विराम लगता नहीं दिख रहा। आज तक से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि विवाद अपनी जगह और सेवा अपनी जगह, यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में बाबा ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा का ऐलान कर सकते हैं। तमाम विवादों के बावजूद भी मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं, और आपको बहुत जल्दी ही विद इन ए वीक आपको ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस, जो इस फंगस का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से देने वाला हूं, काम हो चुका है, वो अब फाइनल स्टेज में है। हम तो अभी भी जो है फंगस की दवाई बना रहे हैं। महामारी से लड़ाई में पूरा देश एक साथ एकजुट होकर लड़े, जरूरत ऐसे ही प्रयासों की है, लेकिन बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जारी जंग में सीज फायर कब और कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। एक जंग तो आपने देख ली, बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर्स, जी हाँ एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, लेकिन अब आपको जो जंग हम दिखा रहे हैं वो गुजरात में बच्चे लड़ रहे हैं। ये उम्र 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की हो सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना होकर वो बच्चे ठीक भी हो गए हों, लेकिन उन्हें एमआई, जो बीमारी का नाम है एमआईएससी, क्या होता है इस बीमारी में, किन बच्चों को हो रहा है, जरा समझिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। मम्मी डैडी को सावधान करने वाली रिपोर्ट, बच्चों पर कोरोना का बहुत बड़ा खतरा। महामारी में बच्चों को नई बीमारी एमआईएससी, एक दिन का बच्चा बन गया शिकार। अपने बच्चों को बचा के रखना, ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। 9 साल का राहुल आज सिविल अस्पताल में है। कुछ दिन पहले राहुल को निमोनिया हुआ और उसके बाद नई बीमारी एमआईएससी ने अपना शिकार बना लिया। एमआईएससी यानी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। दरअसल राहुल को पहले तेज बुखार हुआ था, तब इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अचानक दोबारा तेज बुखार आया। मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि पोस्ट कोविड वाली बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी कोविड के बाद बच्चों को होती है। ऐसा होता है कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये जो बीमारी है वो पोस्ट कोविड होती है और खास करके बच्चों में ही होती है। इसके जो हम लक्षण देखने को जाए तो बच्चे को कोविड होने के बाद हाई ग्रेड फीवर आता है, 100 से ऊपर फीवर, 2-3 दिन से ज़्यादा हो। बच्चों में बॉडी में रेड रैशेस होते हैं, उसके आई में कंजेक्टिवाइटिस मतलब आँख लाल होनी, वहाँ से पानी गिरना, एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमन, या कुछ बच्चे सीवियर कंडीशन में जब आते हैं तो हाइपोटेंशन या शॉक के साथ प्रेजेंट करते हैं।
राहुल के घर वालों का कहना है कि वक्त पर इलाज मिल गया, नहीं तो मुश्किल बढ़ सकती थी। MISC का पहला मामला भी गुजरात में सामने आया। एक दिन का बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। हुआ यूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की माँ को कोविड था। माँ कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो गई, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो इस बीमारी से पीड़ित मिला। डॉक्टर भी बताते हैं कि ये बीमारी बच्चों को कोविड के बाद हो सकती है या फिर कोविड से पीड़ित घर वालों के जरिए पहुंच सकती है। इसे लक्षण के जरिए वक्त रहते पहचाना जा सकता है। बच्चों में इस बीमारी के अब तक 7 लक्षण देखे गए हैं। ठंड लगना, बुखार आना, शरीर पर काले धब्बे दिखना, आंखें लाल होना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरा या होंठ नीले पड़ना। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत भी हो सकती है। जिस घर में फैमिली हिस्ट्री हो कोविड की या सस्पेक्टेड हो कि ये बच्चे को कोविड हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा एक भी सिम्टम आता है तो उसको जल्दी से अपने पीडियाट्रिशियन के साथ जाना चाहिए और इसका डायग्नोसिस करके अगर उसकी हम सघन सारवार करें तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में ए सिंड्रोम हो या फिर उसे बुखार आया हो, सामान्य दवाई से वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया। यानी बच्चे भी कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन कुछ बच्चों में ही लक्षण उभर कर आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। घर के सारे सदस्य अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो हम बच्चों में कोविड होते हुए बचा सकते हैं। बिना कोई कारण बाहर नहीं जाए, मास्क पहने, बार बार हाथ धोए, अगर ऐसी परिस्थिति हम क्रिएट करते हैं तो बच्चों में कोविड होने के चांस कम रहते हैं, और अगर कोविड नहीं होगा तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं होगा। खतरा बड़ा है, लिहाजा बच्चों की खास देखभाल करने की जरूरत है। वैसे भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत का सुरक्षा कवच सोशल डिस्टेंसिंग ही है। बच्चे एक बार कोरोना से संक्रमित हुए, ऐसे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखने मिल रही है, और ऐसे बच्चों के का जो ख्याल है, यानी अगर इनको बुखार आता है, सर्दी होती है या फिर बॉडी पे कहीं रैशेस दिखते हैं, तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया की। जी हां, कोरोना के मामले देश में घट रहे हैं, ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सवाल यही कि कहीं पर इस प्रक्रिया में कहीं भूल चूक ना हो जाए। कई जगहों पर तो अनलॉक में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अनलॉक ही क्यों, लॉकडाउन में जहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन होना है वहां पर भी किस तरह से लोग बेपरवाह हो रहे हैं, ये बहुत। लेकिन इस बार अगर नहीं सुधरे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिसका डर था अनलॉक में वही हो रहा है। कोरोना नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। खुद नेताजी कोरोना गाइडलाइंस की बैंड बजा रहे हैं। बीजेपी विधायक नाच नाच कर लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। अनलॉक होते ही भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है। वो भी तब जबकि तीसरी लहर तैयार खड़ी है। अनलॉक में लोग ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वाकई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे। कई ऐसे राज्य हैं, तमाम राज्य हैं जो फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने ही इस दूसरी लहर में भुगता है, उनकी जनता ने भुगता है। महाराष्ट्र ऐसा ही राज्य जहां पर इतने सारे केसेस थे, 15 जून तक वहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यहां पर तमाम सावधानियां बरती जा रही है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के एक विधायक जी की नाच धुन। बेटी की शादी के जश्न में इतने चूर हो गए कि खूब नाचते हुए आपको दिखेंगे, मतलब कोरोना के नियमों की ही बैंड बजा दी।
देश ने कोरोना का ऐसा भयंकर काल देखा है जो जेहन में घुस गया है। जख्म अभी जिंदा है क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लिहाजा कोरोना के केस घटते ही देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस अनलॉक को करते वक्त खतरे का अलार्म भी बजाया गया है। कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क पहनना भी जरूरी है। डर तीसरी लहर का है, खतरा टला नहीं है, जंग अभी चल रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अनलॉक होते ही लोग कोरोना को फिर से दावत देने पर आमादा हो रहे हैं। सड़कों पर, बाजारों में, शादियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आम लोगों की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात नेताजी की करते हैं, बीजेपी विधायक की करते हैं। शर्म उतार कर रख दी, कोरोना नियमों का जुलूस निकाल दिया। ऐसे लोग क्या रोल मॉडल बनेंगे, कैसे दूसरों को समझाएंगे जो खुद ही कोरोना काल में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और ये विधायक साहब मस्त नहीं जैसे मदमस्त हो गए हैं। डांस में ऐसे झूम रहे हैं, कंधों पर चढ़ चढ़ कर ठुमक रहे हैं और इनके चेले चपाटे बेशर्मी के इस डांस की वीडियो भी बना रहे हैं। जमीन से लेकर कंधों तक इन्हीं का जलवा है। बेटी की शादी और शादी की खुशी में ऐसे चूर हैं कि लॉकडाउन के नियमों को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। कैसा लॉकडाउन, कैसी पाबंदी, कैसा कोरोना, कैसा मास्क, कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में वैसे तो शादी में 25 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन है, लेकिन ये विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, फिर ये कोरोना के नियमों और लॉकडाउन की पाबंदियों को हल्दी वाली धूल में उड़ा रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है महेश दादा लांगडे और दादागिरी बेटी की शादी में चल रही है। 6 जून को इनकी बेटी साक्षी की शादी है और उससे पहले रविवार को हल्दी की रस्म के दौरान उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा कर रख दी। न केवल इस दौरान इनके घर पर भारी भीड़ जुटी बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये हाल तब था जब रविवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केस सामने आए थे, 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। सरकार हालात के बेहतर होने की उम्मीद पाले बैठी है, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं, ताकि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन महेश लांगड़े जैसे विधायक कोरोना की लगाम में पलीता लगा रहे हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विधायक जी गले मिल मिलकर कंधों पर उछल उछल कर नाचते और ठुमकते हुए नजर आए तो पुलिस हरकत में आई। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक महेश लांगड़े समेत 60 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। इन सभी पर कर्फ्यू तोड़ने का केस भी दर्ज किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ विधायक लांगड़े ही नहीं है, पिंपरी चिंचवाड़ महापालिका के अधिकारी सुनील बेलगांवकर भी कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर कोरोना के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। जहां तक महेश लांगड़े की बात है तो वो पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनसीपी से हुई थी। 2017 में वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। राजनीति में आने से पहले महेश लांगड़े को एक पहलवान के तौर पर जाना जाता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की लाठियां बरस जाती हैं।
उठक बैठक कराने की तस्वीरें तो आम तौर पर नजर आती हैं। वहीं ऐसे शादी समारोह को पुलिस बीच में ही बंद करवा देती है। महाराष्ट्र में शादी को लेकर लॉकडाउन के नियमों की बात करें तो 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। इस नियम को तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं नियम तोड़ने वाली जगहों को सील कर दिया जाता है। क्या पुणे पुलिस बीजेपी विधायक के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करेगी? लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए आम और खास सभी के साथ एक जैसा बर्ताव जरूरी है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद आज 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बड़ा फैसला लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं। पहले पूरी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज ली गई बैठक में यह तय किया गया है कि इस साल कोरोना की महामारी की दूसरी लहर में बच्चों को और उनके हित में, छात्रों के हित में यह फैसला लेकर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही सीबीएसई मानकों को तय करेगा। सबसे पहला सवाल दिनेश शर्मा जी आपसे यही है, आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी बड़ी चुनौती थी, अभिभावकों के टीकाकरण का कार्यक्रम की भी शुरुआत आप लोग कर रहे थे, क्या सीबीएसई की परीक्षाएं जिस तरह से रद्द की गई हैं, यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं 12वीं की रद्द करने पर आप लोग विचार कर रहे हैं और कैसे सब कुछ स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, क्या सोच है आपकी सरकार की? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। छात्र हितों में अभिभावक और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के संदर्भ में स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 66 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियाँ थी वो उनमें ढील हुई है और कई जगह पे जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें कमी आई है, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीजों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके, और जो भी छात्र शिक्षक और अभिभावकों के हित में निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं दिनेश शर्मा जी, क्या अब हमारे दर्शक और जो खास तौर पर छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो ये माने कि आपकी सरकार अब पीएम के फैसले के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर पुनर्विचार करेगी? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से हमने जो पहले भी निर्णय लिया था उसमें भी हमने साफ कहा है, अगर आपके टेलीविजन चैनल पर भी मैं बोला था और उसमें मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि स्थितियां सामान्य होने पर ही उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएंगी, और हमने 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 11वें और 10वें में हमने प्रमोशन की व्यवस्था करी थी, और अब केवल 12वीं की परीक्षा जो कि पूरे भारतवर्ष में तमाम प्रदेशों ने अपनी राय दी थी कि 12वीं की परीक्षा की मांग एक तरफ उठी है कि उसमें कई उच्च संस्थानों में उसकी आवश्यकता पड़ती, इस प्रकार के संदर्भ सामने आ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर स्थितियां सामान्य होंगी तो हम परीक्षा को, जो 12वीं की परीक्षा है उसको कराने पर हम जुलाई माह में हम इसका इसमें विचार करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है, हम निश्चित रूप में उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थितियों का परीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने अधिकारियों को लेकर बैठेंगे और जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। हाँ, क्योंकि देश भर में लोग चाहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी रहे, सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम्स रद्द हो गए और बोर्ड, यूपी बोर्ड, अलग अलग राज्य अलग अलग फैसले अपनाएंगे तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी, लेकिन क्या तरीका क्या अपनाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि मानक बनाए जाएंगे कि कैसे बच्चों की मार्किंग किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा भी कोई निर्णय 12वीं कक्षा के बारे में वो क्या करेंगे, अंकों के अंकन के बारे में क्या निर्णय लेंगे उन्होंने तय नहीं किया है, उनका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए भी फार्मूले का प्रश्न नहीं उठता। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, दसवीं कक्षा में क्या फार्मूला हो सकता है उसमें दो तीन विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और हमने तमाम जो डाटा थे, तमाम पिछले जो रिकॉर्ड्स थे उनको हमने अपलोड किए हैं, और जल्दी ही हमने एक कमेटी बनाई है
जो हमारे बोर्ड की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है उनमें किस प्रकार से हम दसवीं कक्षा के छात्र को प्रमोशन देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कमेटी हमको इसी हफ्ते रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग दसवीं को प्रमोशन देंगे। यदि बारहवीं कक्षा के बारे में हमारा कोई निर्णय जल्दी से होता है पुनर्विचार के बाद, यहाँ की स्थितियों के आकलन करने के बाद, तो हम भी CBSE का भी फार्मूला तैयार हो रहा है, हम भी जल्दी से जल्दी फार्मूला को तय करने की तरफ जाएंगे जब हमारा कोई निर्णय होगा। अभी हमारा निर्णय जो हुआ था वो स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षाओं को, बारहवीं की परीक्षाओं को कराने के संदर्भ में था, बाकी को हमने प्रमोशन दे दिया है पहले ही, हमारे प्रमोशन हो चुका है। लेकिन दिनेश जी आप भी इस राय के होंगे कि एक समानता देश में होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, CBSE की परीक्षाएं रद्द हो और हमारी राय पहली राय यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है कि छात्रों का, अभिभावकों का और शिक्षकों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है और हम उनके सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और दूसरा हम किसी को जबरदस्ती तनाव युक्त वातावरण में परीक्षा दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये जो उनकी मनोभावना है निश्चित रूप से उस मनोभावना का मनोभावना स्वागत योग्य है और उसको हम ये विचार योग्य है और हम लोग ने कहा इसी संदर्भ में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद हम अपने निर्णय जल्दी निर्णय लेने की तरफ बढ़ेंगे। ये क्योंकि आप लोगों ने पहले तैयारी की थी अभिभावकों के लिए खास तौर पर टीकाकरण का कार्यक्रम, तो किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए सरकार का कदम उठा? अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो टीकाकरण का लक्ष्य हमें रखा है वो हमारा लक्ष्य चलता रहेगा। परीक्षा देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी हमारे शिक्षकों को टीकाकरण आवश्यक है, हमारे विद्यार्थियों को टीकाकरण आवश्यक है, कर्मचारियों को टीकाकरण आवश्यक है। तो ये सुरक्षा जो है, जीवन की सुरक्षा है, वो हम कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं ये आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है हमने उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है। 1 करोड़ टीके हम केवल जून में लगा रहे हैं और आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पे हमने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है, सभी जिलों में हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष की मुहिम है उसको हम किस प्रकार से और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, इसके सारे विकल्पों हम विचार कर रहे हैं। तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया कि बच्चों को और तनाव में, वैसे ही महामारी और दूसरी लहर में बच्चे बहुत परेशान हुए, कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन जो एग्जाम के दौरान ही शायद जिनकी तबीयत ठीक ना हो, तनाव के बारे में भी प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया है, तो इसको कैसे फैक्टर इन कर रही है आपकी सरकार और क्या आप तक भी खबरें आ रही हैं कि कैसे इस महामारी के दौर में तनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बच्चों के साथ महामारी में? नहीं देखिए, हम हमारी सरकार की प्राथमिकता ही है कि बच्चों को तनाव मुक्त रखा जाए और बच्चों के इसीलिए हमने 11वीं तक के पहले ही बगैर कुछ कहे 11वीं तक की कक्षाओं को हमने प्रमोट कर दिया था। अगर आप 2020 में भी देखें तो हमने हाईस्कूल की तो परीक्षा, हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने पहले ही करा ली थी कोरोना संक्रमण से पहले फरवरी माह में, और उसके बाद हमने जितने भी परीक्षाएं हमारी बची थी 6th से लेकर और 12th तक की उन सबको हमने प्रमोट कर दिया था, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने ये स्थितियों को रखा था कि बच्चा तनावग्रस्त ना रहे, और हमने पिछली बार उनको इस प्रकार से प्रमोट कर दिया था कि अगले बार जो परीक्षा होगी या कोई मिड टर्म परीक्षा होगी उसके अंकों को जोड़ के हमने प्रमोशन का निर्णय पिछली बार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उच्च शिक्षा विभाग में लिया। तो अलग अलग निर्णय लिए थे हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में। हम लोग स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे लोग कोरोना के प्रति जिले का जो परीक्षण अलग अलग तरीके से करते हैं और स्थितियां किस ओर जा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति एक संतोषजनक स्थिति में हम तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, और मैंने पहले बताया कि 66 जिलों में स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ी हैं और कोरोना कर्फ्यू में हमने एक व्यापक छूट भी दी है, लेकिन परीक्षा कराने की जो चुनौती है वो एक अलग होती है, उसमें तमाम चीजें और भी साथ में शामिल होती है। हालांकि तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन तैयारी नहीं, हमें तो तनाव भी दूर करना है, छात्रों की सुरक्षा भी लेना है, वैक्सीनेशन भी कराना है, और शिक्षकों और कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगेंगे उनको आश्वस्त भी करना है, और जो अभिभावकों के मन में भय का वातावरण है वो भी हम दूर कैसे कर सके, ये भी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।
लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में 12वीं परीक्षाओं को कराने के संदर्भ में अपनी अलग राय भी कभी कभी प्रकट करता है। लेकिन हमारा, मैंने पहले ही निवेदन किया आपसे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है कि सुरक्षा हमारी प्रथम वरीयता है, प्रथम प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता को भी और छात्र और अभिभावकों की जो चिंता है उसको देखते हुए हम लोग एक बार फिर से पुनः अवलोकन करेंगे। 12वीं कक्षा की जो हम लोगों ने जुलाई माह में कराने का जो प्रस्ताव रखा था उसको मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के उपरांत उसके बारे में क्या निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद हम उस पर पुनर्विचार करके निर्णय की स्थिति पे पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री का जो ये फैसला है 12वीं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का, उस फैसले से वो भी सहमत है और उनकी सरकार भी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने पर पुनर्विचार करने के लिए बैठक करेगी।